स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक कंप्यूटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बीए बीएससी पार्ट वन का जो प्रैक्टिकल पेपर है कंप्यूटर का, वो किस तरह से आता है, उसके लिए कितने मार्क्स का होता है और मार्क्स की डिवीजन किस तरह से होती है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मेरे पास ये पिछले साल का लास्ट ईयर प्रैक्टिकल पेपर है। आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर वन हम आज सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करके मैं आपको वाइवा के बारे में भी बताऊंगा। आपको दो तरह से वाइवा पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर वन का अलग वाइवा होगा, जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है 5 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर टू का अलग होगा। स्टूडेंट्स, वाइवा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके प्रैक्टिकल में। आप लोगों को पता है कि एग्जामिनर जो भी मार्क्स डिफाइन करता है आपके, वो वाइवा के बेस पे करता है। स्टूडेंट्स, वाइवा में क्या आपको पूछा जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर वन से रिलेटेड। आपने वीडियो कहीं से स्किप नहीं करनी, लास्ट में मैं आपको वाइवे के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये टास्क परफॉर्म करके बताऊंगा, जो क्वेश्चन नंबर वन में उसने कहा है कि डू द फॉलोइंग टास्क। आपने सेम ऐसी ही एक शीट बनानी है, वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है, सेम ऐसी वैसे ये बनी हुई है, ठीक है, एमएस वर्ड के ऊपर इसने लिखा हुआ है। क्रिएट द फॉलोइंग वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन एमएस वर्ड विच शुड एग्जैक्टली मैच फ्रॉम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही आपने बनानी है, बना के अपने एग्जामिनर को चेक करानी है, और उसके बाद आपने इसी से रिलेटेड यानी एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस से रिलेटेड आपसे वाइवा पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, और आपने उनके क्वेश्चन देने, सॉरी आंसर देने। तो स्टूडेंट्स, वाइवे में क्या क्या पूछा जा सकता है ये मैं आपको वीडियो क्लास में बताऊंगा, शॉर्ट केस भी मैं आपको बताऊंगा सारी। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से टेक कंप्यूटर कॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी किया करें वीडियो और दूसरों तक शेयर भी कर दिया करें। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जब क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करूँ ये वाला प्रोग्राम वाला, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने एमएस वर्ड में ये क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ से एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ से एमएस वर्ड, ये स्टूडेंट्स मैंने एमएस वर्ड ओपन कर ली और इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये मैंने नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज है और इसके ऊपर हम ये रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कि इसने मांगनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओके। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि लिखा हुआ है जी वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें तो ये जो वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैंने लिखा है, इसमें और इसमें इसके फॉन्ट में फर्क है, ठीक है। ये जो फॉन्ट है ये किस तरह से लिखा हुआ है, सेम ऐसी ही हमने बनानी है, और फॉन्ट का साइज भी आपने यहाँ से बड़ा करनी है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है, तो मैं आपको एंड के सारी शॉर्टकट की बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ से इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये बढ़ा देगा। और इसका जो फॉन्ट यूज किया उसने स्टूडेंट, ये प्रॉपर ब्लैक यूज हुआ, ठीक है। ये देखिए वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सेम वही वाला फॉन्ट आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है जो उसने आपको बताया हुआ, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इस फॉन्ट का जो नेम है वो भी आपने एग्जामिनर को बता देना है कि मैंने प्रॉपर ब्लैक फॉन्ट यूज किया है हेडिंग पे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे आए तो स्टार्ट डेट लिखी हुई है और एंड डेट लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स, जो स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखी है वो टाइम्स न्यू रोमन में लिखी हुई है। ये जो फॉन्ट का नेम है वो क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। मैं यहाँ से स्टार्ट डेट लिखता हूँ,
इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टेबल नहीं लिखा हुआ। इसका साइज में जैसे शॉर्ट है ऐसे, ठीक है जी। और थोड़ा छोटा कर दें इसकी साइज 14 के खिलाफ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है 14 से भी थोड़ा सा छोटा कर दें इसका अपनी साइज 12, ठीक है हाँ 12, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे डैशेज देने में ये देखिए, जैसे ये डैश है, ये मीडियम डाल देते हैं। आपने शिफ्ट दबा के अंडर स्कोर प्रेस करेंगे तो ये लाइन यहाँ पर लगी आ गई। उसके बाद ये स्लैश डाल लिया आपने तो शिफ्ट दबा के अंडर स्कोर प्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगेन ये आ गई ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ी छोटी कर दी, इसकी इतनी स्पेस नहीं है, और इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं। इतने ही हमें पेपर में लोड दिया गया सिंपल, इसमें भी इतनी है स्टूडेंट्स, ये हमारा, ठीक है। सेम ऐसे ही अब आप यहाँ से एंडिंग पे एंड डेट डालेंगे, वो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आप वगैरह इसको सेम ऐसे लिख भी सकते हैं। तो एंड डेट के लिए वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर मैं ले देता हूँ एंड डेट, ओके इसको थोड़ा सा, ठीक है जी, ठीक है। अब आपने नीचे स्टूडेंट्स टेबल ड्रा करना है, तो देखिए इस टेबल के कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम है और 6 रो है, ठीक है। तो आपने 7x6 का एक टेबल यहाँ पर ड्रा करना है। टेबल कहाँ से ड्रा करना है, आपने इंसर्ट वाले टैब पे जाना है, इंसर्ट, ये इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7 आपने यहाँ से 7 कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 7x6 ये आपने सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। एंड डेट जो है वो नीचे आ गई है टेबल ड्रा करने के लिए, तो आपने टेबल को उठा के थोड़ा सा नीचे ले आना है ऐसे, ठीक है। इसको ऊपर ले लीजिए, तो ये आपका एडजस्टमेंट कर लेंगे। यहाँ से आप टेबल पर क्लिक करके इसको ड्रैग करके टेबल को आगे पीछे ले जा सकते हैं, तो नीचे यहाँ पर आपका टेबल फिट आता है वहाँ पर आपने इसको करना है। स्टूडेंट्स टेबल ड्रा हो गया, तो सबसे पहला कॉलम जो है वो सीरियल नंबर का है, SR नंबर लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर है जी मंडे, फिर है जी ट्यूजडे, फिर है जी वेडनेसडे, फिर है जी थर्सडे, और फिर लास्ट पे है जी फ्राइडे। ये स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय नेम है ये एक ही लाइन में है, तो इसको मैं यहाँ से इसकी स्पेस थोड़ी सी यहाँ से ज़्यादा करूँगा तो ये एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इन कॉलम्स को भी आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना इस तरह से स्टूडेंट्स। ये आप यहाँ से इसको पकड़ कर ड्रैग करेंगे, इसकी जो वेट था कॉलम की वो एडजस्टेबल होती है, ये एडजस्टेबल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एम्प्लॉय नेम होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने सीरियल नंबर लिखना है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 तक ही है, लेकिन ये 5 तक है। टेबल की थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं, इसके सेवों का साइज थोड़ा बढ़ा है उसमें, तो हम भी इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके रेड लाइन दे रहा है, इस पर मैं राइट क्लिक करके इसको कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स ओके, तो मजीद अगर आप देखें तो ये टेबल हमारा बन चुका है। अब हम मेरे लिखना है एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 1,
इसी तरह एम्प्लॉय टू थ्री फोर एंड फाइव इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, उनके पेस्ट करके टू कर दूंगा थ्री, फिर नीचे फोर। स्टूडेंट्स ये देखिए जी, ये हमारा सी एम ई वाला टेबल जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है जी, जैसा कि उसने अभी कहा था। उसके बाद स्टूडेंट नीचे देखिए लिखा हुआ जी सुपरवाइजर सिग्नेचर। ठीक है, सुपरवाइजर सिग्नेचर के लिए टेबल से लिख रहे हैं, इन पर लिखे क्लिक करें टेबल से लिखे यहाँ पर अगर आप के लिए सुपरवाइजर सुपरवाइजर सिग्नेचर। ठीक है जी, ऐसे लिखा हुआ जी, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है। अब ये देखें तो ये इस तरफ राइट कॉर्नर पे है, तो इसको आप यहाँ पे कर्सर रख के इसके स्टार्ट में टैब प्रेस करेंगे तो ये आगे जाना शुरू हो जाएगा, और फिर इसको राइट कॉर्नर पे ला के छोड़ दें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ये थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ है तो इसको आपने बोल कर देना है, इसको स्टेप करके कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट की होती है। ठीक है, यहाँ कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं आप, यहाँ ये बोल के बटन है क्लिक करके कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये तैयार हो गया, इसके ऊपर देखिए तो ये एक लाइन लगी हुई है, ये लाइन भी हम लगा देते हैं यहाँ पे सिग्नेचर के लिए। आपने इंसर्ट में जाना है, ये इंसर्ट तो ये देखिए लिखा हुआ है शेप्स, शेप में जाके ये आपने लाइन पे क्लिक कर देना, इस तरह का कर्सर आ जाएगा, इसके ऊपर आपने यहाँ से यहाँ पर रख के इसको ड्रैग करेंगे तो ये लाइन लग जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्लैक कलर की लाइन आप जैसे कर देना तो ये देखिए स्टूडेंट्स ये सेम वैसा ही हमारा जैसा कि हमने कहा गया। ठीक है, सेम ऐसे ही ये तैयार हो गया। अब आपने नीचे क्या लिखा हुआ है, सेव दिस फाइल विद द नेम वीकली रिपोर्ट, आल्सो राइट दिस प्रोसीजर इन योर आंसर। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं, सेव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं, एस करके क्लिक करें तो ये आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे फाइल का नाम पूछेगा, तो फाइल का नाम आपने ये रख देना है वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव होगी। स्टूडेंट्स अब आपने इसका प्रोसीजर लिखना है, प्रोसीजर में आपने जो हमने अभी सारा कुछ किया सेम वही लिख देना। नंबर वन पे हमने क्या किया था, आप प्रोसीजर कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे जी प्रोसीजर आंसर बुक के, आप लिखेंगे नंबर वन। सबसे पहले हमने क्या किया, ओपन की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन इसको मैं बोल लिख देता हूँ ओपन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू बटन, हमने यहाँ पर क्लिक करके ओपन की थी, तो जो जो आपने जैसे जैसे किया वो सारा इधर लिखा है फ्रॉम स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन में नंबर टू पे हमने क्या किया था, हमने ओपन की थी एक ब्लैंक ब्लैंक शीट, हमने ओपन की थी ओपन आ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ब्लैंक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया था, इसमें कुछ भी नहीं था ब्लैंक था, और हमने बाद में उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने सबसे ऊपर टाइटल दिया राइट राइट टाइटल एज, हमने हेडिंग में क्या लिखा था वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये वाली वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वीकली परफॉर्मेंस में लिखने के लिए नाम है वीकली परफॉर्मेंस
डिफॉल्ट ये आपने अपनी आंसर शीट पे सीधे लिखना है। इतना करने के बाद ये आपने अपने एग्जामिनर को दिखा देना कि मैंने बना लिया। उसके बाद जो आपको आंसर शीट पर प्रोवाइड की गई होगी उस पर आपने ये स्टेप लिखने जो मैं इधर लिखी है, ठीक है। प्रॉमिस रिपोर्ट और इसको बता देना है कि विद फॉन्ट हमने कौन सा यूज किया था, विद फॉन्ट पॉपर ब्लैक हमने यूज किया, पॉपर ब्लैक, ठीक है जी। ये भी आपने इसको भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के, आपने फोन का नाम लाजमी लिखना है इसी के नाम से, ठीक है। आपको पता हो देख के पता चल गया है कि भी ये जो फोन है ये कॉपर ब्लैक जो है और आपने भी लिखा है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी लिखा है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या किया था, स्टार्ट और एंड डेट लिखी थी न्यू रोमन में, ठीक है। अब लिखेंगे राइट स्टार्ट एंड डेट इन न्यू रोमन फॉन्ट, न्यू स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने क्या किया था, टेबल ड्रॉ किया था, तो आप लिखेंगे इंसर्ट और टेबल फ्रॉम, कहां से इंसर्ट किया था, इंसर्ट टैब से, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इंसर्ट टैब, ठीक है। राइटर कितने का किया था आपने जी, आपने 1 2 3 4 5 6 7 आपने 7 by 6 का किया था, बोलेंगे 7 by 6 इज अ टेबल ऑफ 7 by 6 ऑर्डर, यानी कि 7 columns and 6 rows थी फ्रॉम इंसर्ट टैब, ठीक है। एंड राइट द टाइप द टेक्स्ट अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंगली ये पेपर में दिया गया उसके लिए स्टेप है टेक्स्ट जो है वो ड्रॉप, ये 5 steps आप लिखेंगे अपने आंसर शीट पे। ये बनाने के बाद आप अपने एग्जामिनर को चेक करा देंगे और ये 5 steps लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका जो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपकी आएगी वाइवे की बारी, ये यहाँ से यहाँ तक आप कम्प्लीट कर चुके हैं। वाइवे में स्टूडेंट्स वो आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आपने ये टेबल कहाँ से ड्रॉ की है, ठीक है, इंसर्ट टैब में और क्या क्या चीजें होती है, ठीक है जी, फोन कौन सा आपने यूज किया, इस तरह की चीजें वो पूछ सकता है, या फिर वाइवे में आपसे वो शॉर्टकट कीज पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स वाइवे की तरफ आप आते हैं तो वाइवा आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल का, स्टूडेंट्स शॉर्टकट कीज आपने वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की करके जानी है, वो आप कहाँ से याद करेंगे, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक फाइल का पीडीएफ फाइल है, ये आप लोग ये डाउनलोड करके इजीली यहाँ से याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये एक पीडीएफ फाइल आपके है, इसके पेज नंबर 7 पे आप जाएंगे तो यहाँ से ये इंग्लिश वर्ड स्टार्ट कर, ठीक है। इसको आपने एक बार पढ़ लेना, ये सारे इसकी शॉर्टकट कीज लिखी हुई है, ठीक है। ओपन करने के लिए कोई भी फाइल आप कंट्रोल ओ यूज करते हैं, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, तो ये सारी कीज शॉर्टकट कीज है, इनमें से कोई भी कीज जो है वो आप एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकते हैं। ये आपने याद कर लेनी है इस फाइल का, ये जो पीडीएफ फाइल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। इसी तरह ये भी एमएस वर्ड से रिलेटेड सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर बताए गए हैं, ये रिवर में कौन कौन सी चीजें होती हैं वो बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह रिवन कौन सा होता है, तो ये जो सारी टैब्स होती हैं वर्ड की, ये देखिए जैसे ये टाइटल बार है, वापस ये टाइटल बार में क्या होता है, ठीक है, टाइटल बार, इसको टाइटल बार बोलते हैं, ये मेन्यू बार है, ये रिवन है सारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ इस पीडीएफ में मौजूद है, ये हमें एक वीडियो में तो आपको सारा कुछ नहीं समझा सकता, वीडियो का आपकी गलती हो जाएगी, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस फाइल का। आपने बस इसमें से जो शॉर्टकट कीज है ना ये लाजमी याद करके जानी है, ठीक है। इनमें से आमतौर पर शॉर्टकट कीज ही एग्जामिनर पूछता है और थोड़ा बहुत भी इनमें से हो सकता है पूछ, ठीक है। इसी तरह इसमें एम एस वर्ड की शॉर्टकट कीज भी है और एम एस एक्सेल भी है, ये एम एस एक्सेल की शुरू हो जाएगी यहाँ से, ये सारी शॉर्टकट कीज
ये भी आपने याद कर लेनी है, और इसी तरह एमएस पावर पॉइंट की भी आप इसी फाइल में शॉर्ट कर सकते हैं। पे पेज नंबर 45 पे एमएस पावर पॉइंट की शॉर्ट कर स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी करके जानी है। वाइवा में आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 1 का जो वाइवा है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो वाइवा है जिसमें प्रोग्राम है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सारा सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 इस प्रैक्टिकल पेपर का मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 सॉल्व करूँ, ये प्रोग्राम सॉल्व करके आपको इसके वाइवे के किसके अकॉर्डिंग कहूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एक वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक भी लाजमी किया करें और दूसरों तक शेयर भी किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।